तो भैया आज फिर हम खेलने वाले हैं चूचू चार्ली, और ये है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 3। हमको एक चाबी मिल गई थी और हमको लेने जाना है एक अंडा, तो चलो चलते हैं। भाई साहब मैं घुस गया हूं गुफा के अंदर, काफी डरावना माहौल है। फालतू के लेटर्स छोड़ रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर पानी टपक रहा है। चलो यहाँ पर चल के देखते हैं क्या मिलने वाला है हमको। ठीक है, स्क्रैप मिल गया, कूल। चलो आगे चलते हैं। भाई इस गेम में कुछ ना कुछ वेपन देने चाहिए थे, सही बता रहा हूँ मैं, वेपन देने चाहिए थे, उसके बिना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर क्या है? ओह यहाँ पर एक चेस्ट है, चलो देखते हैं। भाई मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आकर हमें मार डाले। अरे यार एक तो ये चेस्ट खोलना बंद करना ना बहुत इरिटेटिंग काम है। एनीवे कोई बात नहीं, इस पीले डब्बे को हम खोल डालेंगे और देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या मिलता है। चलो 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 भाई, चलो 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 फटाफट खोलते हैं ज़रा इसको। यार मुझे समझ में नहीं आता इनको एक की देनी चाहिए बॉक्स के लिए, ये इस तरीके का लॉक का पैटर्न क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं सो दैट कि हमारी घबराहट थोड़ी और बढ़ जाए। और इसके अंदर हमको मिलेगा एक हरे रंग के पेंट का डिब्बा, जिससे हम अपने ट्रेन के कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है कि लेफ्ट क्यू दबाकर हम लेफ्ट में छुप सकते हैं, ई दबाकर हम राइट में छुप सकते हैं, मतलब आगे कोई एनिमी आने वाला है जिससे हमको छुपना है, तो अब हमको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। चलो भैया ठीक है, हमने ट्राई करके देख लिया, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे। भाई खतरनाक रास्ता, भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसे गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं माइनक्राफ्ट बहुत खेलता था, लेकिन मालूम है माइनक्राफ्ट खेलते खेलते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैंने उसके वीडियोज़ बनाना बंद कर दिए थे। चलो भाई चलते हैं, आगे रास्ता है, कुछ स्क्रैप वगैरह। ये क्या है? यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, चलो इस साइड चलते हैं। यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं और ये मुझे स्क्रैप मिल गया है। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हम छुप कर देख सकते हैं। ओके देखो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, यार गौरव भाई तुमको गेम खेलना नहीं आता है, तुम ये करो वो करो। देखो क्या है, वॉक थ्रू देख के तो हर कोई ज्ञान दे देता है, एक्चुअल में हम जेन्युइनली गेम खेल रहे हैं बिना कोई वॉक थ्रू देखे, क्योंकि उससे गेम खेलने में मज़ा आता है, हमको पता नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है। अगर मैं वॉक थ्रू देख लूँगा और बिल्कुल वैसा खेल लूँगा जैसा खेलना था, फिर गेम का मज़ा क्या रह जाएगा, पूरा सस्पेंस पहले ही खुल जाएगा। हमारे पास है अभी 10 स्क्रैप और एक ही क्या है। ठीक है देखते हैं आगे क्या है। भाई आगे कुछ गुफा टाइप की दिख रही है मुझे, चलो चलते हैं। भाई मैं कब बोलता हूँ कि मैं गेम खेलने में एक्सपर्ट हूँ, मैं तो खुद ही बोलता हूँ कि मैं नूब हूँ, खेलते खेलते तो आदमी एक्सपर्ट बनता है। भाई क्या हर गेम का पैटर्न अलग होता है, यहाँ कोई सीटी बजा रहा है, लगता है कोई छिछोरा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर है। चलो थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, यहाँ से छिप कर देखते हैं ये क्या है, यहाँ देखते हैं क्या चीज है। ओ सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देख लिया, इसकी ऐसी की तैसी। भाई क्या करूं, कोई हथियार भी नहीं है मेरे पास, गोलियां मार रहा है वो मुझे। वापस ट्रेन पे चलता हूं मैं, एक काम करता हूं, इन लोगों ने जो बटन बताया तो उससे छुप कर देखता हूं, क्या पता वो आगे निकल जाए। अरे देख लिया, भागो 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 भागो, गोली मार रहा है। मतलब हमको इससे छिपकर ही रहना है। तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा बीच में ब्रेक करना पड़ रहा है, एक्चुअली क्या हुआ था कि ये वाला मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक से सेव नहीं हो पाई थी, मतलब हो ही नहीं पाई थी, केवल ऑडियो ऑडियो था। तो ये वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं और गेम में आगे देखेंगे कि क्या होता है। ये वाला जो एग वाला मिशन था जिसमें मैं अभी मारा गया था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ भाई, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, मैं क्या करूँ, हो जाता है कभी कभी। आगे से गेम खेलते हैं, एग हमें मिल चुका है, अब आगे के मिशन पूरा करेंगे। चलो भाई हम वापस से ट्रेन में आ चुके हैं, मिशन हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं ट्रेन में भाग कर वापस आ गया था, उस गार्ड ने मुझे देख लिया था, बट मैंने उस ट्रेन में लगी हुई गन का यूज करके
उसको मार दिया था। अब हमारे पास आगे दो रास्ते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सीधे रास्ते पर ही जाऊं, तो यहां पर मुझे अपनी ट्रेन का रास्ता बदलना पड़ेगा। वापस मैप से हम आ गए हैं असली दुनिया में। चूचू चार्ल्स तो कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हें ट्रेन का नाम बोलना नहीं आ रहा, तुमसे बार बार चूचू चार्ली बोल रहा हूँ। यार वो तो मैं मजाक मजाक में बोल रहा था, तुमको मजाक सार्कैज़्म समझ में नहीं आता तो वो तुम्हारी दिक्कत है। ये भाई डाइवर्जन आ गया है हमें यहाँ पर। अरे मेरी ट्रेन गलत डायरेक्शन में चली गई। रिवर्स गियर डालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी ट्रेन में रिवर्स गियर है। चलिए ये हमने लीवर को घुमा दिया है, फटाफट से ट्रेन में चढ़ जाते हैं वापस और ट्रेन को बढ़ाते हैं आगे। इस बार मैंने मैप पर कुछ भी मार्क नहीं किया है, मेरे को रास्ते में जो भी घर मिलेगा वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ स्क्रैप उठा लूँगा। और ये बात मुझे आप लोगों ने बताई थी कमेंट करके कि गौरव भाई रास्ते में रुका करो और थोड़ा सा सफ़र का मज़ा लिया करो, इतना डरा मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप लोग बोलो। यहाँ पर एक लेटर रखा था जिसे हमने नहीं पढ़ा। चलो, इस घर में घुसने का दरवाज़ा कहाँ से है? ये स्क्रैप मिल गया मुझे, ठीक है भाई। एक और झोंपड़ी, यहाँ पर भी स्क्रैप मिल गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पर कुछ लाइट्स दिख रही हैं, वो स्क्रैप यहाँ पर भी है। अबे ठीक है, वापस ट्रेन में चलें क्या? एक बार लेटर पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, पढ़ लिया, हो गई पढ़ाई लिखाई, होमवर्क कंप्लीट कर लिए हमने, ट्रेन में चलते हैं। इस साइड तो कुछ भी नहीं है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर जो लाइट्स दिख रही थी वहाँ पर हमें जाना चाहिए, है ना? तो पहले तीन स्क्रैप का यूज़ कर लेते हैं। तीन स्क्रैप में हम क्या ही उखाड़ पाएंगे। चलो ट्रेन की हेल्थ बढ़ा लेते हैं और चलते हैं मौत की तरफ। देखो कितनी सारी लाइट्स दिख रही हैं, कुछ तो होगा वहाँ नीचे। और यहाँ रास्ते में हमको स्क्रैप भी मिलते जाएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये मिल गया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, बस वो चूचू चार्ल्स ट्रेन ना आ जाए, नहीं तो वो हमारा काम लगा देगी। थोड़ा थोड़ा मैं छुप कर चल रहा हूँ, ज़्यादा मूवमेंट करना भी ठीक नहीं होता। हम नज़र मार लेते हैं आसपास के, ट्रेन तो नहीं है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए, यहाँ पर एक घर है, वो इधर भी कुछ स्क्रैप मिल गया। ठीक है भाई, सही बोल रहे थे यार तुम लोग, बाहर घूमने फिरने से बहुत स्क्रैप मिल जाता है। चलो ज़रा इस घर में चल के देखते हैं। यहाँ पर भी स्क्रैप है, गुड। पेंट का डिब्बा मिल गया हमें। अबे क्या, मैं मॉन्स्टर हंटर हूँ, मैं कोई पोताई वाला थोड़ी हूँ जो ट्रेन को कलर करता फिरूंगा। यहाँ पर एक अंकल खड़े हैं सफ़ेद टोपी पहन के, लेकिन उनसे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले हम यहाँ पर झोंपड़ी में घुसने का रास्ता ढूंढते हैं। कोई रास्ता ही नहीं है, लगता है सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। चलो आसपास घूमकर हम पहले स्क्रैप, अच्छा खुल गया। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। भाई यहाँ पर एक लेटर रखा हुआ है, पढ़ लिया हमने लव लेटर को। यहाँ पर एक स्क्रैप पड़ा हुआ है, स्क्रैप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम बाद में करेंगे। चलो झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, एक और स्क्रैप मिल गया। थोड़ा सा और आगे घूम फिर के आते हैं, अंकल वंकल से तो हम बाद में बात कर लेंगे। एक और स्क्रैप मिल गया भाई, मुझे डर लग रहा है कहीं ट्रेन ना आ जाए। चलो चलो भाई, सारे स्क्रैप उठा लिया, अंकल से बात करते हैं, देखते हैं कि बुड्ढा हमें क्या बताना चाहता है। हाँ भाई बोलो। तो बुड्ढा ये बोल रहा है कि इसका शिप आने वाला है जिसमें सवारी करके ये इस आइलैंड से निकल जाएगा, लेकिन ये अपने कुछ डॉक्यूमेंट भूल गया है, क्योंकि ये एक नंबर का भुलक्कड़ था और ये हमको कुछ स्क्रैप देगा अगर हम उसके डॉक्यूमेंट्स उसको वापस ला देते हैं। तब तक ये यहीं पर हमारा इंतज़ार करेगा। भाई खड़े होकर क्यों इंतजार कर रहे हो, अंदर बैठे और बिस्तर बिस्तर भी तो लगा हुआ है। It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. I'll give you all the scrap metal. तो भाई इनने हमारे मैप पर लोकेशन मार्क कर दी है, अब हम फटाफट चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। चलो भाई, मतलब मानना पड़ेगा चूचू चार्ल्स अच्छा ट्रेन है ना, ऐसे बीच रास्ते में आके डिस्टर्ब नहीं करता। अभी तक तो हमारा एक बार भी उससे इस तरीके से सामना नहीं हुआ जहाँ पर आकर उसने हमें परेशान किया हो।
चलिए भाई, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ पहली वाली झोपड़ी की तरफ, और अब मैं आता हूँ वापस अपनी ट्रेन में, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप उठा लिए हैं। 9 स्क्रैप उठाए हैं, ठीक है, कुछ तो हो ही सकता है इससे। कुछ भी नहीं हो रहा क्या? ट्रेन की हेल्थ ही बढ़ा लेते हैं। चलो भाई, क्या करें अब, मैप पर देखते हैं, काफ़ी दूर जाना है हमको, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, बाद में चलेंगे, पहले हम चलते हैं सीधे ये रेड वाले बंदे की तरफ, देखते हैं ये हमें क्या मिशन देता है। पहले बहुत सारे मिशन इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उनको इकट्ठा सुलझा लेंगे, है ना। आगे मुझे एक लाइट दिख रही है, यहाँ पर आकर भी मुझे अपने ट्रेन का रास्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा। चलिए भाई, मैं ट्रेन से उतर नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया भाई? अच्छा, यहाँ से उतरना था। चलो, ये मैंने लीवर को घुमाया और वापस मैं अपनी ट्रेन में आ गया हूँ, है ना। चलो, अपनी ट्रेन चल रही है अब सीधे रास्ते पर। चूचू चार्ल्स का कुछ भी अता पता नहीं है, और हम चाहते भी नहीं है कि वो हमारे रास्ते में अभी आए, क्योंकि हमें उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ भाई मॉन्स्टर हंटर से कभी अंडे ढुड़वा रहे हैं, कभी अचार ढुड़वा रहे हैं, कभी कोई कागज़ लाने को बोल रहा है। एक मिनट, यहाँ पर भी रास्ता है, यहाँ पर शायद कुछ मिल सकता है। पहले मैं मैप पर चेक कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। है तो कुछ, बट आई विल नॉट प्रेफर टू गो आउटसाइड, टू माई ट्रेन। तो मैं सीधे ही चलना प्रेफर करूँगा। चलिए भाई, जहाँ मकान वकान देखे वहाँ रुकना ठीक है, ऐसे थोड़ी जंगल में घूमते रहेंगे। भाई साहब, मानना पड़ेगा इस गेम के डेवलपर की तारीफ करनी पड़ेगी, इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बनाया है, काफ़ी मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। चलो, यहाँ पर हमें एक लाइट जलती हुई दिख रही है, तो अपनी ट्रेन को हम रोकते हैं, कुछ ज़्यादा ही पहले रोक दी, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलो भाई, गुड, बहुत स्क्रैप मिल गए भाई, बहुत स्क्रैप मिल गए, इससे बाद में बात करेंगे। टोपी वाले से पहले ऊपर चलते हैं, एक और स्क्रैप मिल गया हमें, बहुत शानदार। ओहो, क्या बात है भाई, बाजूका भाई ये बोल रहा है उसने रॉकेट लॉन्चर बना लिया, लेकिन रॉकेट लॉन्चर में डालने के लिए उसके पास गोलियां नहीं है, मतलब रॉकेट नहीं है। अबे तो जब रॉकेट नहीं थे तो रॉकेट लॉन्चर बनाया क्यों? चलो कोई नहीं, ये बोल रहा है कि जाओ और जाकर हमारे लिए रॉकेट लॉन्चर के लिए रॉकेट लेकर आओ, ये हमारा मिशन है, ठीक है। ठीक है, अब भाई ये करता रहेगा क्या? ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस। Why don't you bring that box of rocket ammunition? चल भाई, उसने हमारे मैप पे लोकेशन मार्क कर दिए, हमको जाना है यहाँ पर, ठीक है। काफी दूर जाना है, खतरा भी बहुत होगा इसमें, बाहर चलते हैं। यहाँ सामने भी एक मकान है, पहले वहां पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, ऊपर चलते हैं। एक स्क्रैप और मिल गया हमको, ओके, यहाँ पर एक और स्क्रैप मिल गया, और ये एक और नंगा इंसान बैठा है। क्या भाई, कपड़े वपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्या यार, अजीबो गरीब लोग बिठा के रखे हैं। ये हमको समझा रहा है कि भाई साहब, उस ट्रेन को मारने के लिए वो तीनों अंडों का मिलना बहुत जरूरी है, जिसमें से कि हमने एक अंडे को ले लिया है, अब हमारे पास बाकी दो अंडे लेने हैं। ठीक है, ले लेंगे, कौन सी जल्दी है। चलो आगे बढ़ाते हैं, इसने हमें एक और की दे दी है और लोकेशन हमारे मैप पे मार्क कर दी है, लेकिन पहले हमको रॉकेट लॉन्चर के लिए रॉकेट लेकर आने हैं। तो चलो भाई, इसके टावर से नीचे उतरते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ आसपास कहीं चूचू द चार्ल्स तो नहीं है। नहीं है, चलो। ठीक है, ये किसकी कब्र है भाई?
भाई साहब आसपास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे खुले मैदान में चूचू चार्ल्स कभी भी आकर हमारा शिकार कर सकता है। चलते हैं, 135 मीटर के डिस्टेंस पर है हमारी डेस्टिनेशन। भाई बहुत फट रही है मेरी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब यहाँ पर लोग भी मिल सकते हैं। ओहो बड़ा मज़ा आ रहा है, डर भी लग रहा है भाई। ट्रेन अगर आ गई ना सब ये किराए पे पानी फिर जाएगा। यहाँ पर चलते हैं। भाई ये क्या चीज़ है यार, वो अंदर रॉकेट रखे हुए हैं, यहाँ पर घुसने का दरवाज़ा कहाँ से है? यहाँ ऊपर से क्या? ऊपर से तो कुछ नहीं है भाई साहब, ये बहुत सिक्योर्ड जगह है। अंदर पानी की बोटल्स रखी हुई हैं, रॉकेट रखे हुए हैं, ये जगह है, शायद यहाँ से एंट्रेंस होगा। चलो चलो चलो, ये गेट तो खुल ही नहीं रहा, इसकी चाबी नहीं है क्या मेरे पास? शायद हमें चाबी कहीं आसपास मिलेगी, क्या करें? चलो थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर कर आते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यार ये मिशन थोड़ा मुझे खतरनाक लग रहा है, क्योंकि अगर गेट नहीं खुला तो फिर मैं रॉकेट कैसे लूँगा? ये तो फिर वही पोपट हो जाएगा। लास्ट टाइम मैं अचार लेने गया था फर्स्ट वीडियो में, तो वो मुझसे बॉक्स ओपन नहीं हो रहा था। ये डायनामाइट मिल गया हमको, डायनामाइट नहीं है भाई, ये टाइम बॉम है। एक और स्क्रैप मिल गया। यहाँ से मैं डायरेक्ट नहीं चढ़ पा रहा हूँ, घूम कर ही जाना पड़ेगा मुझको। चलो भाई सही है सही है सही है, बॉम लगा देते हैं भाई साहब। बॉम्ब लगाने से मैं तो नहीं उड़ जाऊंगा कहीं। ये देखो मेरे पास एग भी है और मेरे पास बॉम्ब भी है, जो मैंने टाइम बॉम्ब को पिक किया। और ये हमने दरवाजे पर बॉम्ब लगा दिया। चलो दूर चलते हैं इससे पहले कि बॉम्ब फट जाए। एक स्क्रैप और उठा लेते। ये क्या हुआ? ओ रे बाप रे, ट्रेन ने मुझे पकड़ लिया। शिट मैन, लेकिन हमने बॉम्ब लगा दिया था तो बॉम्ब तो फट ही गया होगा ना, बॉम्ब तो फट गया होगा। इसका मतलब हम वापस से ट्रेन में खोलेंगे, ठीक है, मतलब ट्रेन में प्रकट हो जाएंगे। जैसा मैंने सोचा था। चलो भाई सीधे चलते हैं हम उस जगह पर जहां पर चूचू चार्ली ने हमारा काम लगा दिया था। मुझे लगता नहीं है कि अब चूचू चार्ल्स वहां पर मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना होगा हमको। मैं फिर से वहीं से चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर मुझे ट्रेन ने मारा था। ओ यस, दरवाजा खुल गया है। चल अंदर चलते हैं। यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है? नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा ये बॉक्स चमक रहा है, चलो क्लिक करते हैं। अरे कहाँ जा रही है ट्रेन ये? ओके इसमें बॉम्ब था जिसने कि आगे वाले एंट्रेंस को उड़ा दिया। भाई इस धमाके से वो ट्रेन, वो चूचू चाल तो नहीं आ जाएगा? चलो आए तो आए, ऐसी की तैसी हमें रॉकेट मिल गए हैं, स्क्रैप भी मिल गया है। ये लीवर्स वगैरह काम नहीं करते। एक और स्क्रैप मिल गया है, क्रिटिकल आइटम एक्वायर्ड, ये लेटर है। रॉकेट लॉन्चर एमिनेशन टेस्टिंग, ठीक है चलो पढ़ लिया हमने। पहले थोड़ा बाहर देख लेता हूँ भाई, ट्रेन व्रेन तो नहीं है आसपास? नहीं है। चलो वापस चलते हैं। ये मिशन तो कंप्लीट हुआ कम से कम, ठीक है भाई। मैं दौड़ लगाने वाला हूँ मिल्खा सिंह की तरह, 1 2 3। भाई स्क्रैप स्क्रैप नहीं उठाएंगे अब, भागते जाएंगे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम रुके और ट्रेन पीछे से आ रही होगी तो वो हमको छोड़ेगी नहीं। भागो, इतना दूर भी नहीं था जितना मैप पे दिखाई दे रहा था। ठीक है ये स्क्रैप मिल गया। भाई लालच बड़ी बुरी बला है, जान जाए तो जाए लेकिन स्क्रैप ना जाए। चलो भाई उस टोपी वाले बाजीगर को हम
अपना स्क्रैप देते हैं, स्क्रैप नहीं मतलब रॉकेट देते हैं, और भाई टोपी वाले भाई साहब खुश हो गए कि यार वाह वाह क्या कमाल कर दिया, वाह क्या कमाल कर दिया, वाह चल भाई जल्दी से दे दे, दे दिया। तो भाई लोगों अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास आ गया है बजूका, जिससे हम शायद चूचू चार्ली को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे। तो आगे का गेम खेलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ ऐसे गेमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं रेगुलरली तो नहीं लेकिन कभी कभी गेमिंग वीडियोज़ ज़रूर डाल देता हूँ। मिलते हैं अगले फाड़ू गेमिंग वीडियो में।